Welcome, 3 class. How are you? Hope you all are fine. 3 class, it's time for the period of English. So, students, all of you, take off your the book of the grammar and open book page number 56. On page number 56, here is the unit number 15, adjectives. So, students, we were reading about adjectives and we have done its activity A. So, we will revise the definition of adjective. And adjective tell us something more about a noun. So, we say it describes or qualifies a noun. एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो हमें एक नाउन के बारे में बताते हैं, यानी कि हमें एक शख्स के बारे में मज़ीद बताते हैं कि वो शख्स कैसा है, वो किस ईमानदार है या फिर वो बेईमान है. ठीक है, तो वो हमें शख्स के बारे में बताते हैं कि उसकी खूबी क्या है या फिर उसकी खामी क्या है. स्टूडेंट्स, इसकी एक्टिविटी ए हमने प्रीवियस लेक्चर में कम्प्लीट कर ली थी. सो आप लोग पेज नंबर 58 ओपन करें. यहाँ पे एडजेक्टिव्स बता रहे हैं. नंबर टू कैन बी यूज एज एडजेक्टिव्स, जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, नंबरिंग है, उसको भी हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. अ पेंसिल, एक पेंसिल है. एन एप्पल, टू बर्ड्स, 10 कार्स. ठीक है, सो जून इज़ द सिक्स मंथ ऑफ द ईयर. द सेकेंड प्राइज इन इंग्लिश वॉज वन बाय वसीम. ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्या हैं, नंबर्स हैं, तो इनको भी हम ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट बता रहे हैं, एडजेक्टिव आल्सो हेल्प अस टू से हाउ मैनी और हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग वी टॉकिंग अबाउट. ठीक है, एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी चीज़ या फिर शख्स के बारे में बताते हैं, ये बताते हैं कि वो कितनी है या फिर कैसी है. द टीचर इज़ टॉकिंग टू सम पीपल्स, टीचर जो है वो कुछ पीपल्स, कुछ बच्चों से बातें कर रही है. देयर इज़ टू मच साल्ट इन द सूप, सूप में बहुत ज़्यादा साल्ट है. मैनी पीपल केम टू माई सिस्टर्स वेडिंग, बहुत से लोग, ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरी सिस्टर की वेडिंग में आए. सो बच्चों, अब हम इसकी एक्टिविटी भी सॉल्व करेंगे. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब इन सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव्स हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है. और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स जो हैं वो किसी शख्स या फिर चीज़ की खूबी या फिर खामी को डिस्क्राइब्स करते हैं या फिर. अब हम यहाँ पे नंबरिंग की ये एडजेक्टिव्स जो हैं वो नंबर्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे या फिर सम, मच, मैनी, फ्यू और ग्रेट को अंडरलाइन करेंगे. मैनी पीपल वर वेटिंग टू बाय टिकट्स फॉर द बिग मैच, मैनी एंड बिग. द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज हेलरी एंड टेंजिंग. फर्स्ट, पहले शख्स जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन से हैं, हेलरी और टेंजिंग है. आवर टीचर टोल्ड अस टू फिनिश द एक्सरसाइज इन 30 मिनट्स, हमारी टीचर ने हमें एक्सरसाइज जो है वो 30 मिनट्स में कम्प्लीट करने को कहा है. यू विल फाइंड सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, सम. द फूड वॉज बैड एंड सेवरल गेस्ट कंप्लेंट अबाउट इट, बैड गंदा था, एंड सेवरल कई, ये गेस्ट कई मेहमानों ने इसके बारे में कंप्लेन की है. देयर आर 52 कार्ड्स इन आ पैक, 52. It was raining very hard and only a few guests came to the party. ये few को आप अंडरलाइन करेंगे, कुछ गेस्ट जो हैं वो पार्टी में आए हैं. The king decided to make peace with all his enemies. बादशाह ने ये फैसला किया है कि वो अपने तमाम ये दुश्मनों से अमन से रहेगा, के साथ अमन के से रहेगा. तो ऑल को आपने अंडरलाइन करना है. So students, move to page number 59. There is much truth in what he say, much, ज़्यादा सच है जो कुछ उसने कहा है. Most people had gone home by the time the show started, most. My name was 10th on the list, मेरा नाम जो है वो लिस्ट में 10वें नंबर पे है. And I had to wait for a long time, और मुझे लंबे ये ज़्यादा टाइम के लिए इंतज़ार करना पड़ा है, 10th and long. Animal should not be locked up in a small cage, in small cage. स्मॉल, छोटे पिंजरों में हमें जानवरों को ये लॉक नहीं करना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी भी आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व करनी है. स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.